मुझे ब्लड कैंसर बताया है। क्या ब्लड कैंसर? पढ़ के दुनिया चले जाए। देख रहे हो ना आप, चलो मैं बता दूँ। ये ब्लड टेस्ट किया है, आगे है। मत करो यार, प्लीज मत करो बाबू। बैक टू माई YouTube चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ एक नए प्रैंक के साथ, और आज का प्रैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के प्रैंक में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आज के प्रैंक में आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। और आप थंबनेल और टाइटल देखे तो समझ ही चुके होंगे कि वीडियो में क्या होने वाला है। तो इस प्रैंक के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा, बहुत पापड़ बेले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिपोर्ट बनने में इतना टाइम लग गया, इतने इश्यूज़ आए, और अब जाके रिपोर्ट बन चुकी है और वो मेरे बैग में है। और दूसरी चीज़, मैं जस्टिन से कम 2-3 हफ्ते से मैं उससे बिल्कुल नहीं मिली, बात भी बहुत कम होती, कहीं ना कहीं बहाना देना पड़ता है, बिल्कुल उससे नहीं मिली। तो इस प्रैंक में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक बन रहना। मैंने उसको कॉल करके बोल दिया कि आज आ जाओ मिलने के लिए, तो वो आने वाला है। वो बहुत ज़्यादा खुश है कि आज मिलने के लिए बुलाया, पर उसको कोई आइडिया नहीं है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक बने रहना, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा फाड़ू आने वाले हैं। तो जब तक वो आता है तब तक आप वीडियो पर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, यूजर नेम मारोगे जल्दी से जाओ फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए बाय। A few moments later. कैमरामैन जस्टिन हाथ से कैमरा छुपा ले और झाड़ियों में छुपा के रख दो, दिखना नहीं चाहिए। झाड़ियों में उसका कैमरा आ चुके, वेट करते थे। मन नहीं कर रहा क्यों कर रही हो रिशु मेरे साथ में इतना बुरा? क्या कर दिया? क्या करना पता है? क्या मन नहीं लग रहा मेरा यार, तुम ना बात कर रही हो ना कोई, कैसी है तबीयत? यार फिर वही बात कर रहे हो क्या? तुमको नहीं पता क्यों बात नहीं कर रही, क्यों नहीं मिल रही, तुमको नहीं पता कुछ? सोना, मैं कभी इतने दिन रहा हूँ तुम्हारे बिना, ये पता? तो कभी मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई है? और तुम अपना तो छोड़ो, मैं कभी रही हूँ तुमसे बात करे बिना? तो फिर जो तुम एक दिन में तो मतलब कि मैं अगर तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ इतना सब कुछ के यार बंदी में मेरी ना बात हो रही, तो मतलब मैं गलत सोच रहा हूँ, मतलब मैं अपना सोच रहा हूँ, है ना? नहीं ना बाबू, पर तुमको भी तो पता है सारी बात। उसके बाद आके ये सब बोलोगे मैं क्या रह पाती तुम्हारे? अच्छा सॉरी। अब कैसी है तबीयत? वैसे है यार, बहुत चक्कर आते हैं। टेस्ट कराया? हाँ। हाई रिपोर्ट? आगे मम्मी के पास आई है, मेरे पास नहीं आई अभी। अच्छा क्या बताऊँ? पता नहीं, मम्मी बता नहीं रही अभी कुछ भी। अच्छा और बताता हूँ। सोना देखो सुनो, मूवी लगी है बढ़िया सी, मूवी देखने चलें। 15 मिनट के लिए आई हूँ, गर्दन दबा दूंगा 3-4 घंटे से पहले अगर नाम ले दिया ना घर जाने का। अरे निकल, समझे मैं 15 मिनट नहीं, नहीं। बहुत बिल्कुल तुम्हारी कसम खा के बता दी। 2 हफ्ते बाद मिले हैं ना, व्लॉग भी नहीं कर रहे हैं ना यार। व्लॉग पे गया बाहर में, एक बात बताओ, मैं रह सकती तुम्हारे बिना? सच बताना। सुनो सुनो मेरी बात, सुनो प्यार से बात सुनो। तुम 1 साल रह लो मेरे बिना, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी रहना बहुत मुश्किल होता है मेरा। तो अब मैं तुमको, अच्छा मतलब मैं रह सकता हूँ, है ना? कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है। नहीं यार बाबा, मैं बहुत तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकता। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो वरना मैं तुमको यहाँ बुलाती मिलने, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। आप चल रहे हैं मॉल, मॉल के बाद में कुछ खाएंगे, पहले मूवी देखेंगे फिर कुछ खाएंगे, फिर मैं तुम्हें, मैं खुद घर छोड़ के आऊँगा, ठीक है? मेरे साथ में भी तुम्हारी तबीयत खराब होगी, ये बताओ। मैं संभालने वाला हूँ ना, कुछ भी होगा तो तुम मेरे को संभाल पाते, सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में होती, तो ऐसा कभी दिन भी नहीं आता। अच्छा ये बताओ, 2 हफ्ते मेरे से ना मिलके कैसा लगा? बहुत बुरा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मेरे बिना हैं, रह पाए मेरे बिना? सच बताने ईमानदारी से कोशिश करी बट रह पा नहीं रहा था।
हट रहना पड़ा। देखो पर ये तो है, देखो जैसे 2 महीने तो मेरे बिना रह नहीं पा रहे, पर तुमने कोशिश करी थी तो मैं रहना। 2 महीने सॉरी 2 हफ्ते यार, अब क्या करूँ पहले तो हमारे 2 हफ्ते भी 2 महीने के बराबर है। अच्छा अच्छा ये बताओ, मतलब अब जैसे तुम रह नहीं पा रहे थे, तुमने कोशिश करी तो तुम रह पाए है ना, ऐसे प्रॉमिस करो कि आगे भी अगर कभी ऐसा होता है 2 हफ्ते की जगह और होता है तो तुम रह पाए। गर्दन दबा दूंगा, आगे भागे भागे बात मत कर। क्या हुआ? कुछ नहीं, मत छोड़। मैं क्या बोल रहा हूँ, बकवास मत करो, चल रहे हैं मूवी देखने, बहुत अच्छी मूवी लगी। तो यार मेरे को बात करनी है, मेरे को अच्छा चीज़ चलते हैं। हाँ बोलो, तुमसे बात करनी है। सबसे पहले वैसे भी क्या पता है हमारी लाइफ की लास्ट मूवी। अरे सुनो ये, मेरे को बताओ तो अगर कभी मैं तुमसे ना मिलूँ तो तुम रह लोगे मेरे बिना? नहीं रह पाऊँगा, मर जाओ। और तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? अब मैं मुझे 2 हफ्ते में बच्चा पता लग गया क्या होता है दूर रहना बिना मिले। अच्छा चलो मैं कॉल पे बात कर लेता ना, फिर भी मुझे थोड़ा सा सबर आ जाता कि हाँ भाई मिल नहीं रही लेकिन बात हो रही है। वो मम्मी को कॉल कर रहा हूँ, रीशू कहाँ है? हाँ वो घर पे ही है, और उसकी बेटा थोड़ी तबीयत ख़राब है, वो आराम आराम कर रही है। मैं भी यही वहीं जा रही हूँ, मैं बात करा उसी के नंबर पर कॉल कर लो। तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ, आपके डायल किया हुआ नंबर स्विच ऑफ है। सुना अब मूड नहीं ख़राब करना, तुम्हारी बात पता सच हो गई कि तुम मेरे से ना ही मिल, तेरी शक्ल देख के मुझे हंसी आती है। अब भगवान ने ऐसा कर दिया कि मैं चाह के भी तुमसे मिल नहीं पा रही और तुम चाह के भी मेरे से नहीं मिल सकते। रीशु आखिरी बार वॉर्न कर रहा हूँ, मूड मत खराब करो मेरा। तुमको एक बात बतानी है, सुन रहा हूँ, सीरियस बात है अपनी दोनों की लाइफ की। बोलो क्या हुआ, क्या हुआ बोलो यार। अगर कभी ऐसा हुआ हम कभी नहीं मिल पाए, पागल वाली बात मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। आगे कभी कभी सोच के चलना चाहिए। तो बताओ अगर हम कभी नहीं मिल पाए तो क्या? अंदर सुनो तुमको कुछ बात बतानी है। बोलो। देखो तुमको पता है ना मैं जब छूट पे आया था मुझे कितनी खांसी हो रही थी, फिर जब मैं छूट से घर पे गई थी मैंने तुमको बताया था मेरे को वॉमिटिंग हो रही, उसके अगले दिन मेरे को वॉमिटिंग में ब्लड आया था, मैं तुमको फोटो खींची भेजी थी। हाँ आगे तो हाँ करके पूछ रहे हो, बहुत सीरियस बात बताने जा रही हूँ, मजाक में समझो इस बात। बोलो, बोलो, बोलो। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास, मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाए, मैंने सारे टेस्ट करवाए, तो मतलब डॉक्टर ने, मैं अपना नंबर दे के आई थी, मम्मी के साथ ही गई थी, पर उन्होंने मेरे को रिपोर्ट नहीं भेजी, मम्मी को भेज दी, और मम्मी भी पता मुझे बता नहीं रही थी, पर कल जाके मेरे को रिपोर्ट मिली। तो क्या हुआ मुझे ब्लड कैंसर बताया। क्या ब्लड कैंसर? अब बार बार मत पूछना मेरे से क्या क्या, फिर देखना। अरे हाँ यार मैं प्रूफ भी लाई हूँ यार। रीशु मजाक मत करो, मजाक मत करो मेरे से यार। ये चीज़ सच में खुश हो रही थी, इंसान 2 हफ्ते से नहीं मिला यार, वैसी प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी, मत खड़ी करो मेरे सामने एक और प्रॉब्लम। अरे यार मैं मजाक नहीं कर रही यार, मैं 2 हफ्ते बाद तुमसे मिलूंगी। कौन सी रिपोर्ट है दिखाने? मुझे पता था तुम बिलाल खाने वाला जो एक स्कूल है, स्कूल के ही थी बात से करके राजधानी तक खराब थी ना। हां देख रहे हो ना आप, चलो मैं बता दूं। ब्लड टेस्ट किया सारे है, Thank you.
सो मजाक मत करो, पागल वागल हो गए तुम दिमाग से, मैं तुम्हें मजाक मत करो, इसे फाड़ के फेंक दूंगा। रिशु मजाक मत करो, मत करो रिशु प्लीज मत करो। मेरी पहली बात तो रिपोर्ट के साथ ना मजाक वजाक करना, फाड़ना वाड़ना, और पता चला इंसान बचने वालों वो भी ना बचे। मेरा ब्लड टेस्ट दूसरे टेस्ट से पता चली है कैंसर है, ठीक है, ये उनकी रिपोर्ट थी कैंसर है, क्या है कितने में क्या दिक्कत है, जीवन में क्या दिक्कत आई है, उसको ब्लड क्या खराब हो गया, तो फिर उनका सेकेंड स्टेज आ गई है, पहली स्टेज नहीं है, पहली स्टेज निकल गई, सेकेंड स्टेज आ गई है, जिसकी वजह से बचना एक भगवान के हाथ में होता है, पर हमेशा कैंसर को बचा लेंगे। कीमो चलाना पता है थेरेपी तो नहीं, कीमोथेरेपी बहुत दिन की थेरेपी देखो अरे मत करना, पागल हो गया मैं, अभी भी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उनको पता नहीं तुम्हारे पास नहीं पता ही चला ना, बहुत सुनाती बहुत ज़्यादा, तो कुछ ज़्यादा नहीं गए ऋषि यार प्लीज़ मजाक मत करो बाबू, खाना मेरी यार प्लीज मत करो यार रिशु, ऐसा मत करो, मैं तुमको रिपोर्ट दिखाई तो है यार, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं अपनी लाइफ में, बच्चा बहुत और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, मेरी बात सुनो, तुम अपनी लाइफ में परेशान हो, तुम्हारी लाइफ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बट मेरा खुद तो तुम परेशान हो, मेरी लाइफ का भरोसा नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें पता है कि इसी बीमारी से लेके पीछे क्या क्या रिलेटेड है, क्या क्या हुआ है, और एक ना मतलब ऐसी भी होती है, मतलब कहते हैं ना अगर फैमिली चलती आ रही हो, मेरे को तुमको याद है अभी आते हैं ना, जब मैं तुमको मोटे मार मेरी तबियत भी हो रहे थे, जब मेरे दादू की डेथ हुई थी याद है, रिशु मत करो यार प्लीज़ मत करो बाबू, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, प्लीज यार रिशु प्लीज, तब मैंने तुमको रिपोर्ट भी दिखा दी और अपना सच में मेरे सबका इलाज होता है, हाँ तो वही तो वही तो तुमको बताना कीमोथेरेपी की रिपोर्ट नहीं आ रही, कीमोथेरेपी बात कर लूँगा, बहुत सारे क्या करोगे मेरे को हॉस्पिटल में दिखा रही है, क्या बात करूँ, उन्होंने ये नहीं बोला बच नहीं सकते, उन्होंने बोला 50% आदमी बस सब मत करो यार प्लीज मत करो, बचने के लिए कीमोथेरेपी करवानी पड़ती है, पर मेरे जैसे जो इंसान है, जब सुनो किसी को कैंसर होता है ना तो सबसे ज़्यादा उसका वजन नहीं करता, तो हम खुद ही देख रहे होंगे, तो कीमो झेलना बहुत मुश्किल होता है, मेरे जैसा इंसान तो सेकेंड कीमोथेरेपी में मर जाएगा, मत करो यार रिशु, मेरी मम्मी अभी मेरी कीमोथेरेपी लेकर करो रिशु प्लीज मत करो, बहुत परेशान हूँ मैं सच बोल रही हूँ कसम से, मैं सच मम्मी को कॉल करके मम्मी से बात करा दूसरे कॉल पे भेज दिया, दूसरी कॉल पे भेज दिया, भाई मैंने तुमको रिपोर्ट दिखा दी है, रिशु प्लीज मत करो यार प्लीज बाबू प्लीज, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है रिशु, कॉल दिखा तो दिया यार, नहीं रह सकता यार तुम्हारे बिना, करो यार प्लीज यार, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, तुम मेरे से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, मेरे हाथ में यही क्या बात होती है यार, मत करो मत, चलो अब आओ मॉल चलो, अरे मैं अभी तो चल रहा हूँ फिलहाल, वहाँ पर बात करते हैं, अरे सुन लो गर्मी हो रही है रिशु, मैं बात करता हूँ, यहाँ से चल रहे हैं, गर्मी हो रही है, जाने के मॉल चल रहे, पागल हो गए क्या, दिमाग में साइको हो गए, वहाँ पर जाना है डॉक्टर के पास, यही हॉस्पिटल जाना है, चलो वहाँ चलो, रिशु चल लो प्लीज़ यार टाइम, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा, प्लीज़ यार रिशु यार मत करो प्लीज, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, अभी तुम यार रह सकते हो, कोई नहीं मरता किसी के बिना, मैं तुम्हें बोलते थे ना कि कोई किसी के बिना नहीं मरता, जब मैं बोलती थी मरना मर जाऊँगी, तुम क्या बोलते थे, कोई नहीं मरता किसी के बिना, सब जी लेते हैं, नहीं रह सकता भाई, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली भी है, सब रह सकते, और तकलीफ नहीं देना चाहती, प्लीज मत करो रिशु, ऐसी बात है, क्या है
ऐसे मत करो प्लीज बाबू। इधर ना के उधर जा, उधर जा, मैं इधर जाऊंगी। उधर जाओ, देखो मेरा डॉक्टर वहाँ खड़ा है, मेरा डॉक्टर वहाँ खड़ा है, देखो तो। रीशु यार मत करो, रीशु यार उधर तो देखो, मेरा डॉक्टर खड़ा है। अबे देखो तो, वही तो बड़ा था यार। आओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी, बहुत बड़ी वीडियो करती तुमने मेरी। आओ जल्दी एंड करते, जल्दी आओ, बाद में गुस्सा, अभी एंड करते, दो हफ्ते बाद मिल लो, कुछ नाटक नहीं करना, एंड करते वीडियो। आओ जल्दी, देखो कितनी बड़ी हो गई मैंने वीडियो। क्या ये रिपोर्ट? बताऊँ, ये फेक रिपोर्ट है, बनवाई थी दोस्त को बोल के, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से दोस्त के फ्रेंड से बनवाई थी। चलो वीडियो एंड करते, जल्दी 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 एंड करो, तुम्हें मेरी कसम है, अब तुम्हें मेरी कसम है, मैंने कहा तुम्हें मेरी कसम है। आओ ना, हाथ पैर नहीं चलाना, पर तबीयत सच में खराब है, तब भी हफ्ते से नहीं मिली। जाओ जल्दी एंड करो, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना आपके वाली वीडियो कैसी लगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत पापड़ बेले हैं मैंने इस वीडियो के लिए, फिर बच्चा भी गुस्सा हो गया, जब भी आता है दो हफ्ते बाद हर पल मैं प्रैंक कर देती हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर दो, और कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। कहाँ से बनवाई रिपोर्ट? दो हफ्ते से कहाँ थी? घर पर थी। और कहाँ पर होंगी पागल? घर पर थी। अरे चलो, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही थी दो हफ्ते से? बाबू वीडियो, वीडियो के लिए दो हफ्ते से मेरे से बात नहीं कर रही, जा। तुमको मेरी कसम है, अगर आप गुस्सा कर, मैं कह रही हूँ ऐसा ना, असलियत में तब, जब असलियत में हो जाएगा तब। ओके बाय यार, गाइस तो चला गया है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।